भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के सामने एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। जहां दुनिया भर के कई देश मंदी का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत की विकास दर सबसे तेज होने का दावा है। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7% बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भी भारत की जीडीपी 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत के सामने आने वाले समय में कोई चुनौती नहीं है। ई वे बिल, जीएसटी का संग्रह, क्रेडिट में वृद्धि, बिजली की खपत जैसे कारणों के चलते दूसरी तिमाही में विकास दर 7% का आंकड़ा छूने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी बजट में पूंजीगत व्यय का 49% हिस्सा खर्च कर दिया है, जो साल 2022 में इसी समय में किए गए खर्च से 43% ज्यादा है। इससे भारत की बढ़ती जीडीपी और विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, जो चीन सहित मंदी का सामना कर रहे दुनिया भर के कई देशों के सामने तो एक सबक है ही, साथ ही दुनिया के लिए एक नई उम्मीद भी है, क्योंकि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा उभरता बाजार भी है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के पीछे दो अहम कारण हैं। इजराइल और हमास का युद्ध विराम के लिए हामी भरना कहीं न कहीं पश्चिमी एशिया से सकारात्मक संकेत है, जिससे भारत के दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही भारत के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक सकारात्मक घटना ये भी हुई कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति, ईरान, ताइवान, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि इस शिखर सम्मेलन के बाद किसी औपचारिक सहयोग की घोषणा नहीं की गई, लेकिन दुनिया भर को एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण संकेत गया जो सबके हित में है। वहीं दुनिया भर में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई, जो मंदी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पिछले कुछ महीनों में अपनी उच्चतम कीमतों से लगभग 20% नीचे आ गया है, लेकिन ये भारत के लिहाज से ठीक है। इसके अलावा भारत में त्योहारों में बाजारों में मांग सबसे ज्यादा देखी जाती है, जो इस बार काफी अच्छी स्थिति में रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस त्योहारी मौसम के दरमियान भारत के खुदरा बाजारों में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। इसके अलावा अन्य त्योहारों के दरमियान 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार हुआ, जो भारतीय बाजारों के लिए काफी खुशी की बात है। हालांकि भारत के सामने अच्छी जीडीपी के बावजूद कई चुनौतियां हैं। आने वाले समय में तेल की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है। जल्द ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसकी सहयोगी ओपेक प्लस उत्पादन लक्ष्य की समीक्षा करने वाले हैं। ये समूह कीमतों में वृद्धि के पक्ष में हो सकते हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये भारत के सामने एक चुनौती होगी। इससे बचाव के लिए तेल के आयात में विविधता लाने की जरूरत है। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत इस ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे 2006 के बाद से भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर अब तक 39 कर ली है। इन सबके अलावा घटती बाहरी मांगे भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें सुधार की बहुत कम उम्मीद नजर आती है। साल 2022 में बाहरी मांग 5% थी, जो 2023 में घटकर 1% पर पहुंचने का अनुमान है। हालांकि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, PLI और कॉरपोरेट दर को कम करने जैसी योजनाएं ला रही है और विदेशी मांग को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि इन सब के इतर बढ़ती महंगाई भी सरकार और आमजन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, जिससे निपटने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने की सख्त जरूरत है। जहां एक ओर दुनिया भर के बाकी देश अपनी सप्लाई चेन को चीन से अलग करने की कोशिशों में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार मुक्त व्यापार में लगातार तेजी लाने की कोशिशों में लगी हुई है। भारत लगातार निजी क्षेत्रों में निवेशों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं में भी सरकार अपनी रुचि दिखा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि विकास दर को बढ़ाने और अच्छी स्थिति में रखने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्चों में वृद्धि करने की जरूरत होगी। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत की विकास दर अभी अच्छी स्थिति में है। इसे बनाए रख भारत नए मौकों की तलाश कर सकता है और भारतीय बाजारों पर लोगों की निर्भरता को बढ़ा सकता है।